हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी फेवरेट रेसिपी एंड दैट इज पनीर टकाटक। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो पनीर, दो हरी मिर्च, कटा हुआ धनिया, 15 जवे लहसुन के, 3 बड़ी शिमला मिर्च, 3 बड़े प्याज, 9-10 टमाटर, और मसालों में लाल मिर्च, नमक, हल्दी और गरम मसाला और रिफाइंड ऑयल। तो आइए अब हम बनाते हैं पनीर टकाटक। अब हम इस प्याज के 4 टुकड़े करेंगे इस तरह से और इनको खोल लेंगे। इसकी एक एक लेयर हम बिल्कुल अलग कर देंगे। फ्रेंड्स, अब इनमें से 3 टमाटरों को हम कट करेंगे और बाकियों को हम ग्रेट करेंगे। तो देखिए, हमने अपने कैप्सिकम को लंबा लंबा कट कर लिया है इस तरीके से। प्याज के 4 पीस कट करके हमने उसको खोल लिया है, देखिए। और पनीर को हमने पीसेस में कट कर लिया है और अब हमें इन सब चीजों को 1x1 फ्राई करना है और हल्का फ्राई करना है। हरी मिर्च हमने काट ली है बारीक, लहसुन को हमने पीस लिया है और ये हमारे टमाटोज के पीसेस हैं, हमने इतने इतने पीसेस करे हैं इसके। और ये हमने ग्रेट लहसुन टमाटो किया हुआ है और ये हमारा धनिया कट किया हुआ है। अब हमने दोनों कढ़ाइयां स्टोव पर रख दी हैं। इस कढ़ाई में हम स्टिर फ्राई करेंगे। इसमें हमने 250 ml ऑयल लिया है स्टिर फ्राई करने के लिए और इसमें हमने 2 टीस्पून ऑयल लिए हैं ग्रेवी बनाने के लिए। अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें पहले लहसुन डालेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें टमाटोज डाल देंगे। और साथ में हरी मिर्च भी। और ये वाले टमाटोज भी। सारी चीजें हमें साथ ही डालनी है एक के बाद एक। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। आधा चम्मच नमक, बाद में हम कम ज्यादा, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा नमक थोड़ा चाहिए तो आप और डाल सकते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च, पाव चम्मच जरा सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला। इन सारी चीजों को अब हम मिक्स कर देंगे। एक बार अच्छे से मिक्स करके हम इसको पकने देंगे। और दूसरी तरफ हम, ये ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, मैंने गैस बंद कर दी थी, ये ज्यादा गर्म हो गया था। पहले हम इसमें अनियंस फ्राई करेंगे स्टिर फ्राई। हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का ही फ्राई करना है। अब हम इसमें शिमला मिर्च फ्राई करेंगे। अब हम पनीर फ्राई करेंगे। Thank you.
ये मसाला भी हमारा भुनने वाला है। अब हमारा मसाला भी भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम क्रीम, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक मिनट तक के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और थोड़ा सा इसमें और गरम मसाला भी ऐड करेंगे। और अब जो हमने चीजें फ्राई करी थी, पनीर, शिमला मिर्च और प्याज, इन सबको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे। फिर अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। और लास्ट में शिमला मिर्च। और इनको अच्छे से एक बार और हम मिक्स कर लेंगे। हमें बिल्कुल ध्यान से मिक्स करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, अराउंड फॉर 2 मिनट्स। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा थिक हो गया है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दूंगी, जिससे कि ये मैरिनेट हो जाए इजीली। ये ग्रेवी वैसे थिक ही होती है। तो अब हमारा पनीर टकाटक बिल्कुल तैयार हो गया है और हम स्टोव बंद कर देंगे। और ऊपर से गार्निशिंग के लिए इसमें हम धनिया डालेंगे। यमी। तो अब ये पनीर टकाटक खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।